डेकन बोलेंगे सबसे पहले तो ये जरूर बता देना डेकन के अंदर सिविलाइजेशन लेट आई है इन कंपैरिजन वी आर नॉट सीइंग डेवलपमेंट ऑफ महाजन आल्सो इवन इन डेकन रीजन वी हैव वन आइसोलेटेड वन क्या नाम था किसी को पता है अश्माक अश्माक वाज इन महाराष्ट्र ओके अश्माक विद कैपिटल पोटाना ठीक है इट वॉज इन डेकन उसके अलावा हमारे पास में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है इस एरिया में पोस्ट मॉरियन पीरियड में होगी विद असेंडेंसी ऑफ हानाज़ बताओ क्या क्या आ सकता है इसके अंदर ट्रेड रूट कौन सी ट्रेड रूट सबसे पहले तो डेकन और डीप साउथ आते ही तुम्हार को मैरिटाइम ट्रेड याद आ जानी चाहिए मैरिटाइम ट्रेड की वजह से ये जो है आपके पास पावर में आ रहे हैं Unlike your North Indian civilization, the empires in South India initially flourished on the basis of trade instead of agriculture. I hope you know that. Yes. So here, students, when we talk about maritime trade, don't you think the trade with the Romans is something that helped the Satvahanas in flourishing? Some of the ports that they have, although are located on the eastern side, but they belong to them, such as Tamralipti. It is in Bengal, but it was operated by the Satvahanas.

Both important maritime trade with respect to Deccan and Deep South. How do you utilize this information, students? You will simply say that the presence of water in these areas, favorable wind is something that accentuated the trade between the Indian subcontinent and especially the Southeast Asian countries. Moreover, even the Europeans used these maritime trade routes in order to establish contacts with ancient India and ancient Europe, such as from the time of Alexander's invasion. ड बाय दैट दॉ नॉट दे की बात करी है यहां पर आप सी की वजह से नेचुरल प्रोटेक्शन की भी बात कर सकते हैं ठीक है वॉट एल्स कैन यू राइट साउथ इंडिया में तो बहुत पॉइंट है गोल्ड माइन्स वेरी गुड टेक्नोलॉजी वाइज अगर अपन देखें वी हैव कोलार फील्ड ठीक है वी हैव कोलार फील्ड जहां से हम लोग ट्रेडिशनली गोल्ड लेके आ रहे हैं वी टॉक अबाउट रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू लेड डिपोजिट सातवाहानाज के कॉइन्स गोल्ड के होते थे क्या नहीं दे वर क्रिएटेड आउट ऑफ लेड ठीक है वेरी गुड इंडी अरे यार तुम स्पाइसिस कैसे भूल रहे हो ठीक है प्लीज टॉक अबाउट दैट दैट as an area altogether. आप चाहें तो उसे के साथ में भी लिख सकते हैं वैसे मेरे हिसाब से इसको स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज द रीजन व्हाई प्लीनी इज लैमेंटिंग गोल्ड फ्रॉम रोम टू इंडिया सो द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइसेस आप टेक्नोलॉजी वाइज या फिर ऑब्जेक्ट जो मिल रहे हैं हमें उनके वाइज अगर देखें तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं मोर ओवर स्टूडेंट्स डू वी थिंक दैट टेक्सटाइल प्रोडक्शन इज मेनी स्टूडेंट्स आर पॉइंटिंग आउट अवेलेबिलिटी ऑफ सिल्क इज मेनीबिलिटी समथिंग विच विल बी हमारे यहाँ पे रियरिंग ऑफ सिल्क साउथ इंडिया में काफी पॉपुलर हो गई थी इवन इन दी एंशंट इंडियन पीरियड ओके सो टेक्सटाइल्स इज वन एरिया दैट कैन बी स्पोकन अबाउट ऑल ऑफ दीज आर फैक्टर्स ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ही इनको ब्रीड करवाते हैं हर जगह पे आप इस चीज को नहीं कर सकते जहां पे लेड की अवेलेबिलिटी होगी तभी तो लेड के कॉइन्स बनेंगे तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपैक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ दशियंट इंडिया